हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पटवारी की जॉब के बारे में। अगर आप एक पटवारी बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या काम होता है पटवारी का, कौन होते हैं पटवारी और कितनी यहाँ पे क्वालिफिकेशन चाहिए पटवारी के लिए अप्लाई करने के लिए, क्या यहाँ पे एज होनी चाहिए जब आप अप्लाई कर सकें और कितनी इसमें सैलरी होती है पटवारी की। सभी बातों पर डिटेल से बात करेंगे आज की वीडियो में, क्योंकि दोस्तों आप कोई भी प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी जॉब आप पाना चाहते हैं या आपका कोई भी गोल है, तो पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तभी आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में डिटेल से बात करेंगे पटवारी की जॉब के बारे में। मैं हूं पवन मलिक, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मलिक में। अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और अच्छी अच्छी वीडियो जो है वो आपको एजुकेशन से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड वो देखने के लिए मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पटवारी की जॉब के बारे में डिटेल से। तो दोस्तों किसी भी तहसील में पटवारी जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, क्योंकि काफी तरह के काम है जो पटवारी को ही करने होते हैं किसी भी तहसील में। जैसे कि दोस्तों कोई भी भूमि या जमीन से जुड़ा हुआ कोई भी रिकॉर्ड है वो पटवारी को रखना होता है, या भूमि या जमीन से जुड़े हुए जो भी नक्शे वगैरह होते हैं उनका रिकॉर्ड जो है वो भी पटवारी को ही रखना होता है, या आपको कोई भी आय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र बनवाना है तो भी आपको पटवारी से ही मिलना होगा, वही एक पेपर जो है वो तैयार कराते हैं। और किसी भी भूमि संबंधित आपदा से सरकार को अवगत कराना, अगर कहीं पे कोई आपदा आ गई है किसी भूमि पे तो उसको जो है सरकार तक पहुंचाना, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करके वो वहां पे सबमिट करना, ये भी काम एक पटवारी का ही होता है। या कोई विवादित जमीन है, दो पक्षों में तीन पक्षों में कोई किसी जमीन पे कोई विवाद चल रहा है, उसकी मौके पे जाके ठीक से नापतोल कराना, अगर ऑर्डर हो जाते हैं उसकी नापतोल के लिए तो उसकी नापतोल कराना, ये काम भी एक पटवारी का ही होता है। या जमीन बिक्री या कोई खरीदता है उसका पूरा ब्यौरा रखना, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कराना, ये काम भी एक पटवारी का ही होता है। बुजुर्ग या विकलांग लोग जो होते हैं उनकी पेंशन वगैरह की प्रक्रिया कराना, उनकी पेंशन बंधवाना, ये काम भी एक पटवारी के होते हैं। तो इस तरीके के काफी काम जो है तहसील में वो पटवारी के ही अंडर में आते हैं। तो अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं कि अगर आप पटवारी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। दोस्तों आपने अपना 12th जो है वो कंप्लीट कर लिया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे किसी भी स्ट्रीम से आपने अपना 12th कंप्लीट किया है। आपने आर्ट साइड से किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपने साइंस साइड से किया तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने कॉमर्स साइड से किया तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए और कोई भी आपने कंप्यूटर का यहाँ पे डिप्लोमा किया हो किसी भी एक मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से, जैसे कि CCC का एक एग्जाम होता है, एक कंप्यूटर डिप्लोमा होता है वो आपने किया, इस तरीके का अगर कोई भी आपने डिप्लोमा किया तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ राज्यों में ग्रेजुएशन भी इसमें मांगा जाता है पटवारी के लिए, वो आप हमें कमेंट कर दें जो भी आपके राज्य का नाम है वो हम आपको बता देंगे, आपके यहाँ पे 12th से आप अप्लाई कर सकते हैं या ग्रेजुएशन से, उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं उसकी जानकारी के लिए। तो अब यहीं पे बात करते हैं कि एज जो है वो क्या रखी गई है पटवारी के लिए अप्लाई करने के लिए। दोस्तों आपने अगर अपना 18 ईयर यानी कि 18 साल कंप्लीट कर लिया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी 38 ईयर से 38 साल से उम्र ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट रखी गई है। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पे 3 साल की छूट मिलेगी, अगर आप यहाँ पे एससी या एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पे 5 साल की छूट दी जाएगी, अगर आप विकलांग इस तरह की श्रेणी में आते हैं तो आपको यहाँ पे 10 साल की छूट जो है वो दी जाएगी। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं कि इसकी चयन प्रक्रिया या कि यानी कि एग्जाम प्रक्रिया किस तरीके से है। दोस्तों यहाँ पे आपका रिटेन इसमें एग्जाम होगा जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको इंग्लिश से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी से आपको इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से आपको इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको कंप्यूटर से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जीके से आपको इसमें क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। इन 5 विषय में से जो है आपको इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये एग्जाम अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप इसके लिए सेलेक्ट हो जाते हैं। हाँ, कुछ लोग पूछेंगे कि इसमें इंटरव्यू होता है नहीं होता, पहले इसमें इंटरव्यू होता था मगर अभी इसमें इंटरव्यू हटा दिया गया है। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसके लिए भी आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लोगों के दिमाग में ये रहता है, स्टूडेंट के दिमाग में रहता है कि हम जिस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें सैलरी वगैरह जो है वो कैसी है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सैलरी जो है वो काफी अच्छी है दोस्तों, अगर आप इसमें ज्वाइन करते हैं आपका सिलेक्शन होता है तो आपको इसमें 28,000 से लेके 32,000 तक जो है वो सैलरी मिलती है। बट ये स्टेट स्टेट में राज्य राज्य में डिपेंड करता है, कहीं पे थोड़ा कम है कहीं पे थोड़ा ज्यादा, बाकी सब कुछ मिला के आपका 28,000 से लेके 32,000 के आसपास इसमें सैलरी रहती है, और काफी अच्छी सैलरी है दोस्तों। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा
वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी और पोस्ट बढ़ती रहेगी। गवर्नमेंट जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है पटवारी की, एक रसूख वाली जॉब होती है पटवारी की। तो आपने अगर अपना 12th कंप्लीट कर लिया है और आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया है, सर्टिफिकेट लिया है, तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जिनको इस तरह की वीडियो की रिक्वायरमेंट है, उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक करें, जिससे फ्यूचर हम कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं किसी भी जॉब से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।